तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए इंग्लिश का जो एग्ज़ाम आपका सितंबर मंथ का होगा, उसके लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर के आ चुके हैं। तो देखिए, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से रहोगे तो तीनों सब्जेक्ट के लिए आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो विषय कोड आप यहाँ पर देख सकते हो, टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता देते, नहीं देखे तो जाकर के इसी चैनल पर देख लेना वीडियो। अगर वो भी नहीं देख पाते तो मैं डायरेक्ट इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करने के लिए जहां से सिखाऊंगा वहां से आप लोग देख करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं सही से आपको पढ़ देता हूं। सेशन ए में जो बोला, इसमें क्या बोला कि राइट ऑन ए, मतलब कि किसी एक शब्द पर आपको वो लिखना है, लेक यानी कि ऐसे लिखना है। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंस ऑफ, क्या है ये, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पर देख सकते हो ये सारा। तो इसमें से मैं उत्तर दे दूंगा, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन है, इस प्रकार से देख सकते हो, है ना। तो मैं सारे का उत्तर दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना। आइए ट्रांसलेशन में देखते हैं, इसमें किन्हीं पांच का ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। पहला है, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। दूसरा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। तीसरा है कि गौतम बुद्ध एक महान पुरुष थे। चौथा है कि मेरे बच्चे में बहुत मेहनती है। और पांच नंबर है कि राजीव एक जो है ना शैतान व्यक्ति है। और सातवां है कि तुम दिल्ली कब जाओगे। आठवां है कि मेरी शिक्षिका बहुत अच्छे स्वभाव की है। और आठवां है कि क्या तुम मेरी मद ये क्या तुम्हें मेरी याद आती है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखना, तीन नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बोला कि किसी एक पैराग्राफ पर आपको लिखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो आपके बुक का ही है, चैप्टर चैप्टर वाइज ही बोला, जैसे कि भारत इज माई होम, इस पर आपको ऐसे लिखना होगा। या फिर सक्सेस लव आई डू नॉट गो, तो इस पर लिखना है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर आपको लिखना है, मतलब कि ज़्यादा नहीं, 7 से 8 लाइन में आपको लिख देना होगा, 5 मार्क्स वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, चार नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेना। चार नंबर जो क्वेश्चन बोला, इसमें आपको किन्हीं दो क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है। तो देख सकते हो क्वेश्चन, जैसे कि पहला बोला गया व्हाट डिड महात्मा गांधी टू डू फॉर द फेमस जो ना फार्मर्स इन बिहार। बी नंबर है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। सी नंबर है, हाउ डिड आवर क्रोशर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। और क्वेश्चन नंबर दी है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेड हिमसेल्फ। आगे बढ़ेंगे तो हो जाता है, ई नंबर का उत्तर आप लोग देखेंगे। ई नंबर जो क्वेश्चन बोला, ये आपसे बोला, व्हाट वाल मेक द स्पीकर्स जो जर्नी स्पीडर इन स्वीट्स लव आई डू नॉट गो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, इसका उत्तर भी मैं लेकर के आया हूँ, देख सकते हो। इसके अलावा पहले एक चीज बताना भूल गया, इसी चैनल पे जो है ना शाम में साइंस वाले बच्चों का शाम में 7:30 बजे लाइव क्लास होता है, और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8:30 बजे। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, डेली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का क्लास कराया जाता है, जिसको पढ़ करके आप लोग आराम से 400-450 नंबर ला सकते हो। तो जरूर चैनल को आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा उस टाइम। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना है वो भी सिखाएंगे, जहां पर इसका पीडीएफ हम डाउनलोड करने के लिए सीखेंगे वहां पर। तो यहां पर चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर हम लोग दे रहे हैं, पहला में एक का तो उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। की फैक्ट्स, गुड पर्सन हाइजीनिक हेल्प्स स्टॉप बाय यू फ्रॉम गेटिंग सिक्स एंड जो ना स्प्रेडिंग जर्म्स। उसके बाद हो जाएगा, वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टेन इज ए गुड वे टू स्टॉप द जर्म्स ऑन योर हैंड्स मेकिंग यू सिक वेटिंग। उसके बाद आर सोइंग आफ्टेन हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड बॉडी लाइट। इस प्रकार से ये पहला नंबर का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, दो नंबर क्वेश्चन में ट्रांसलेट आपको करना था, तो दो नंबर में हम लोग ट्रांसलेट जो किए हैं, दो नंबर में पहला का यहाँ पर ट्रांसलेट किया जा रहा है। जैसे कि उत्तर होगा, आई वांट टू गो बैक दिल्ली। दूसरा का हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी। और आगे देखिए, तीन नंबर का हो जाएगा आपका कि गौतम बुद्धा वॉज ए ग्रेट मैन। चार का हो जाएगा, माय चिल्ड्रेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। और आगे पांच का हो जाएगा उत्तर, राजीव इज ए जो ना डेविल पर्सन। तो पहले इसका पीडीएफ हम लोग डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं, फिर कंटिन्यू आगे आंसर बताएंगे। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, गूगल या क्रोम बजाज से। कैसे डाउनलोड करने में फटाफट से सिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद आप लोग जाकर के आराम से वहाँ से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना। चलिए फटाफट से हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और अभी आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में आकर के सर्च करना है, मिथुन स्टडी सेंटर। तो हम लोग फटाफट से मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के जो है सर्च कर लेते हैं। इसके बाद ऊपर करेंगे, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना,
करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने क्लास ट्वेल्थ का सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा और नीचे आना, यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ का सेशन आपको दिख रहा होगा एंड लिखा हुआ मिलेगा क्लास ट्वेल्थ सेप्टेम्बर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाए बिहार बोर्ड। तो ये फर्स्ट वाला पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना प्यारे बच्चों। और क्लास वगैरह डेली होता है, जरूर आप लोग करना है ना। ऐसे और पेपर जो एग्जाम होता है सारा चलता ही रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर साइंस का सेशन, आप साइंस के सेशन से या कॉमर्स के सेशन या आर्ट्स के सेशन से कहीं से भी हिंदी इंग्लिश उर्दू का डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा और आर्ट्स के सेशन में आर्ट्स वाले बच्चों का यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश का भी यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट जो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ये कॉमर्स का सेशन है, कॉमर्स के सेशन में भी ऑल सब्जेक्ट और हिंदी इंग्लिश का आपको मिल जाएगा। आप किसी भी सेशन से करना, सब में सेम ही मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आर्ट्स के सेशन से ही करते हैं, इंग्लिश से। इंग्लिश के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। पेज वगैरह को आपको रिफ्रेश करना है, जब तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की ना दिखे तो आपको पेज वगैरह को रिफ्रेश करना है, मतलब जब आना है रिफ्रेश कर लेना है, ताकि आंसर की जैसे ही आपको अपलोड होगा तो दिख जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, इस पर क्लिक करके सब्जेक्टिव आंसर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा, तो यहाँ से आप रिफ्रेश वगैरह करना, पेज को दिख जाएगा। एंड यहाँ भी तो आइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करिए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले सारे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ से जरूर लिख लीजिए। यहाँ से चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बनाते हैं फटाफट से। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, एक किसी पर बनाना था, तो जैसे कि पहला नंबर में हम लोग एक आ लिए हैं। देखिए, भारत इज माय होम, भारत इज माय होम, उसके बाद हो जाएगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, द डिलीवर ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओट हैज प्रेसिडेंट इन हिज स्पीच ही प्लेग्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियंस कल्चर। आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 में 2 क्वेश्चन का उत्तर देना था, तो यहाँ पर ये भी 2 का उत्तर दिया जा रहा है। चलो एक हम लोग पहले उत्तर देखते हैं। गांधी लेड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड्स हाउ विथ द गाइडेंस, ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट साइंस ऑफ उसके बाद एन एग्रीमेंट, उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ना गेटिंग मोर कंपेस्टिंग एंड कंट्रोल ओवर फार्मिंग फॉर द पुअर फार्मर्स ऑफ द रिजाइन एंड कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू हाल लाइक है ना क्या है लाइक एंड कलेक्शन यूनिट यूनिट ऑफ फार्मिंग एक्सट्रैक्ट, इस प्रकार से होगा इंडेड। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हो 2 बी नंबर का उत्तर है। जैसे कि हो जाएगा बिजनेस एजुकेशन इन्वॉल्व्स टीचिंग स्टूडेंट्स एंड हो जाएगा आपका जो ना फाइंड मार्केटेबल द रिलाइज एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस एजुकेशन इन दिस फील्ड एक्सेस और एट सर्वर लेवर्स इनक्लाउडिंग सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसके बाद हिंदी इंग्लिश सारा आ जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही को फायदा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी होता है, तो आप कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।